खेड़ा जी मेरे दो सवाल हैं राहुल गांधी की भाषा को लेकर भी आपत्ति जताई गई है और नोटिस आया है खड़गे जी को इस पर क्या कहेंगे और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने आज ई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें जो मांग थी आपकी वी वी पी को लेकर जो आप अलग अलग मंच पर जारी रखे हुए थे क्या वो मांग अभी भी जारी रहेगी या खार, जो खारिज हुआ फैसला इसके बाद कुछ नहीं पहले सवाल का जवाब मैंने आपको स्पष्ट तौर पे कहा चुनाव आयोग के नियम कानून के से बड़ा कोई नहीं है हमें तो कोई आपत्ति नहीं आप हमें नोटिस दीजिए ना अगर आपको लगता है हमने कोई उल्लंघन किया है तो हमें दीजिए हमेशा देते ही आए हैं कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं दिया ये तो पहली बार हो रहा है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री को देने से आप डर रहे थे और आपको यह भी डर था कि फिर पत्रकार पूछेंगे कि साहब राहुल जी को तो आपने दे दिया और मोदी जी को नहीं दिया तो उन्होंने यहां भी अध्यक्ष को दे दिया क्यों आप हमें भी दीजिए हमने मना किया क्या हम सरकार में आने वाले हैं हम सरकार में आएंगे उसके बाद भी आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर हमने कुछ गलत किया तो आप हमें नोटिस दीजिए लेकिन अभी जिसकी सरकार है उसके सामने आपके मुंह और हाथ बंद क्यों हो जाता है चुनाव आयोग का यह काम है कि डर के बैठ जाए इसलिए बनाया उन्हें चुनाव आयोग आपके दूसरे सवाल की हमने वो अभी ऑर्डर पूरी तरह से स्टडी नहीं किया हमारे कानूनी विशेषज्ञ उस ऑर्डर को पढ़ रहे हैं रही बात चुनावी प्रक्रिया की तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा इस देश के एक एक वोटर का स्थापित करना सरकार का विपक्ष का मीडिया का और चुनाव आयोग का कर्तव्य है खेरा जी फर्स्ट चुनाव sir regarding the v uh, vv Pat's, uh, prime minister has also said that this is basically a, uh, a very big setback for uh, the doubters of evms and uh, uh, he has also slammed the india block uh, parties saying that they were misleading the nation and now uh, the supreme court of india has already rejected their so team. in 2009 was mr Advani misleading the nation when he released the book of gvl narsimha against evms when mr Advani was चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ लीडिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईवीएम्स वॉज ही मिसलीडिंग द नेशन द प्राइम मिनिस्टर शुड डू असिक होमवर्क इंस्टेड ऑफ फोकसिंग और नेहरू जी ही शुड स्टार्ट फोकसिंग और अडवाणी जी ही विल स्टॉप टॉकिंग इन रिस्पॉन्सिबिली खेरा जी फर्स्ट चरण के चुनाव के बाद अब की बार चार सौ पार का जो सोर था वो बंद हो गया है अब जो है मंगलसूत्र आखिर मंगलसूत्र छीन करके कांग्रेस पार्टी करेगी क्या जमीन छीन के क्या करेगी पूछिए ना उनसे जो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जब वो मंगलसूत्र की बात करते हैं तो आप सब हंस पड़ते हैं मंगलसूत्र तो छीना नोटबंदी में जिन्होंने मंगलसूत्र छीना वो मंगलसूत्र की जब बात करते हैं और वो भी उस पार्टी से बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया इस देश पर इंदिरा जी का वो फोटो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कल आ रही थी जब वो अपने गहने दे रही थी देश के लिए आनंद भवन कुर्बान कर दिया अपनी प्रॉपर्टीज दे दी उनसे इस तरह की अभी हल्की बात करते हैं तो लोगों को हंसी तो आती है आप लोगों को आ रही है मुझे भी आ रही है आज से दस साल पहले कहते तो चलिए ठीक है लोग अलग मूड में थे इनका हर झूठ चल जाता था अब इनका झूठ नहीं चलता फिर भी चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं तो हम तो कहते हैं जितना मोदी जी मुंह खोलते हैं हमारे वोट बढ़ा देते हैं हम उन्हें धन्यवाद देते हैं आप यूं ही भाषण देते रहिए और लोग जहाँ वोट देना है वो दे रहे हैं हमें इसका लाभ हो रहा है धन्यवाद पवन जी बीजेपी ने आज सुबह में एक वीडियो शेयर किया हुआ है 2009 के करीब पर जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो है वो आ, कुछ ब, बयान दे रहे हैं और उस पर बीजेपी का दावा है कि वो यही बात रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पर जो मुसलमान हैं उनका पहला हक है वो वीडियो की हकीकत आपके सामने कई बार आ चुकी है आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने उस पर पूरा एक लंबा सा स्टेटमेंट भी दिया है फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ चलाना चाहती तो चलाएं हम तो कह रहे हैं जितना वो झूठ बोलेंगे हमें उतना फायदा है हाँ ये जरूर है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मोदी जी के दोस्त का तो नहीं है अगर वो ये सुनना चाहते थे तो हम बता देते हैं पश्चिम बंगाल की कैंपेनिंग कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि शायद उनका पूर्व जन्म बंगाल में हो चुका है या फिर वो आने वाला जन्म बंगाल में लेने वाले हैं अब बताइए इस पर आप क्या जवाब चाहते हैं मुझसे एक ही वक्त में उस व्यक्ति ने मगरमच्छ से भी लड़ाई की चाय का भी काम किया हिमालय भी चले गए एक वक्त में एक ही कालांतर में उन्होंने ये सब कर दिया इमरजेंसी से भी लड़े बी ए भी की एम ए भी की सब कुछ उसी दौरान कर दिया सलाम है साहब उनको सलाम किसको को धमकी दे रहे हैं अपने दोस्त को जनता को देने पर काम जारी है। अरे तो अपने ही दोस्त को धमकी क्यों दे रहे हो अब 16 लाख करोड़ जिन लोग दोस्तों के आपने माफ किए उनको अब आप धमका रहे हो कि भाई पैसा मैं ले लूंगा वापस कमाल के आदमी हम तो यही कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने किस किस से पैसा लिया धमका के लिया डरा के लिया लालच दे के दिया कैसे लिया वही तो जांच होनी है उसी से तो डरे हुए हैं पीएम केयर फंड पैसा कहां गया कहां से आया कोई पारदर्शिता नहीं रहेगी क्यों क्योंकि पिछला जन्म बंगाल में हुआ था अगला जन्म बंगाल में होगा कुछ ऐसे ही बोल रहे थे ना तो कैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिल गए साहब अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं होनी चाहिए हाँ मगर मत से लड़े वो मालूम होना चाहिए लेकिन पीएम केयर फंड में चीन की कौन सी कंपनी का पैसा आया ये नहीं मालूम होना चाहिए क्यों नहीं मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रल बॉन्ड में किस किस कंपनी के दरवाजे पे ईडी गई और उससे फिर आपने हफ्ता वसूली की ये नहीं मालूम होना चाहिए क्यों नहीं मालूम होना चाहिए तो प्रधानमंत्री जी आप निश्चिंत रहिए दस साल हो गए अब हम पूरी जांच कराएंगे किसने आपको कितना पैसा क्यों दिया उसके बदले में आपने उसको क्या दिया ये सब लोगों के सामने आएगा पहले तो अडवाणी जी से माफी मांगे इस उम्र में इस तरह की भाषा उनके लिए बोल रहे हैं सबसे पहला विरोध ईवीएम का अडवाणी जी ने किया था 2009 में किया था जीवीएल नरसिम्हा की किताब रिलीज कर रहे थे के के खिलाफ, के खिलाफ आंदोलन करना चाहते थे आज मोदी जी उनके लिए इस तरह के अपशब्द बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं है ये लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है एक वोटर भी अगर ईवीएम पे शक की दृष्टि से देखता है तो उस वोटर को आप तमाचा और इस शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते उस वोटर का संशय दूर करना आपका फर्ज है आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं भले एक महीने के लिए और हैं माइक ले लीजिए सर प्रधानमंत्री के भाषणों पे उनके आरोपों पे तो कई क्वेश्चन हो गए ये क्वेश्चन ये है सर आपके मैनिफेस्टो पे पिछले कुछ सालों के मैनिफेस्टो और इस साल के मैनिफेस्टो को कंपेयर करने पे पता चलता है इस ये दिखता है कि आ, आ, इस बार का इस मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं आ, आ, क्रांतिकारी झलक उसमें दिखाई पड़ती है तो लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये है सर कि नेहरूवियन सोशलिज्म को छोड़ क्या साम्यवादी रास्ते पर आगे बढ़ने के मूड में क्या है? नाम दे रहे हैं आप जानिए मैंने पढ़ा है अच्छी तरह से अगर न्याय की बात करना आपको गलत लगता है या आपके मोदी जी को गलत लगता है तो हमें तो मालूम है उन्हें गलत लगता है दस साल से जो अन्याय किया है मध्यम वर्ग के साथ जो अन्याय किया दलितों के साथ जो अन्याय किया आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया महिलाओं के साथ अन्याय किया नौजवानों के साथ अन्याय किया किसानों के साथ अन्याय किया और उनको न्याय दिलाने की बात तो हमारा संविधान कहता है तो हमारा संविधान साम्यवादी है ये क्या आप लोग थ्योरीज लेकर आते हैं क्योंकि कहीं मोदी जी कुछ बोल देते हैं आप लोगों को लगता है यही सच है यह नर्सरी से बाहर निकलने का अब वक्त आ गया है इस हाईकोर्ट अच्छा में कहा है कि अगर उनकी प्राइवेसी को आ, सरकार कहती है कि प्राइवेसी खत्म करें तो वो देश छोड़ देंगे मैंने वो स्टडी नहीं किया देखा नहीं है उस पर टिप्पणी अभी नहीं करूँगा गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करने में अच्छा नहीं लगता तो एक बार मैं स्टडी कर लूँ क्या कहा किसने क्या कहा और क्यों कहा फिर उसके बाद इस पर बात करें माइक दीजिए ईवीएम के मुद्दे पर आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन पे कि इंडिया गठबंधन जनता के मन में जबरदस्ती संदेह पैदा कर रही है और ये पाप है प्रधानमंत्री 2009 में जब अडवाणी जी कर रहे थे तब पुण्य था जब भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली जी अडवाणी जी सुषमा जी ईवीएम के खिलाफ बोलते थे तो पुण्य था अब पाप हो गया क्यों भारतीय जनता पार्टी कहीं और से आई है इस समाज से नहीं आई इस देश से नहीं आई इस लोकतंत्र में उसकी भागीदारी नहीं है उनका भी उतना ही कर्तव्य है लोगों का संशय दूर करने का चुनावी प्रक्रिया पर से जितना हमारा है जितना चुनाव आयोग का है जितना मीडिया का है सर टू क्वेश्चंस

you are as normal a human being as were your predecessors, as will your successors be. in a democracy, to question the prime minister, to corner the prime minister, to make him answerable is our duty. if in 10 years he hasn't been able to understand this, then i am sorry, he will never understand this, because he is a student of entire political science, which we are not. may hindi may be volnachaungai, is for. ये प्रधानमंत्री अपने आप को छुईमुई का पौधा मानते हैं कि उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता उनको कोई जवाबदेह नहीं बना सकता उनकी निंदा तो कर ही नहीं सकते क्यों साहब सुरखाब के पर लगे हैं कहीं और से आए हो नेहरू जी भी इसी जनता से आए थे इसी समाज से आए थे इंदिरा जी भी नरसिम्हा राव जी मनमोहन सिंह जी राजीव जी वीपी सिंह जी देवे गौड़ा जी इंद्र कुमार गुजराल जी सब इसी जनता से आए इसी जनता ने उन्हें चुना उनमें से तो किसी ने कभी नहीं कहा कि हमारी निंदा मत करना हमें सवाल मत पूछना गुलजारी लाल नंदा जी बहुत कम वक्त के लिए केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे साहब दस साल से बैठे हैं छुई मुई की तरह कोई सवाल नहीं पूछ सकता उनसे डरते हो सवालों से डरते हो बरसात में नाचना भी है और भीगने से भी डरना है इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा राहुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी दो चरणों में झूठ शुरू हुआ ऐसा झूठ जो कभी सुना नहीं तीसरे चरण तक आंसू भी आएंगे भावुक करेंगे देश को अभी बोला ना जैसे पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुआ था अलग अलग राज्यों में जाकर कहेंगे पिछले जन्म में गुजरात में पैदा हुआ था उससे पिछले जन्म में महाराष्ट्र में पैदा हुआ था अलग अलग चरणों में बताएंगे अरे मजाक है मनोरंजन करिए अच्छी बात है हमें भी मुस्कुराना अच्छा, हंसना अच्छा लगता है लेकिन देश का प्रधानमंत्री है अपनी मर्यादा तो रखिए रह, अभी तो बहुत कुछ होगा अगले पांच चरणों में आप लोगों ने कभी हम लोगों ने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ होगा देखे जाइए क्योंकि हार उन्हें दिख रही है और जब प्रधानमंत्री मोदी जी को हार दिखती है देखिए हम सब ने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे राहुल जी की तो उन्होंने सदस्यता ले ली घर से बाहर कर दिया पचास घंटे ईडी के सामने सब कुछ और कांग्रेस पार्टी चुनाव कई बार हारी कई बार जीती हमने उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के नरेंद्र मोदी जी ने कोई उतार चढ़ाव देखा हो पिछले 2002 से अब तक सत्ता में रहे पहली पोस्ट मुख्यमंत्री की मिली ऐसा आदमी हार से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जब वो हार से घबरा जाता है तो इसी तरह की बातें करता है पिछले जन्म में कहा पैदा हुआ फिर मगरमच्छ से लड़ा सर अनादर क्वेश्चन आ... इस इलेक्शन में सात चरणों में बीच में मगरमच्छ भी आ जाएगा देखना ये मगरमच्छ था जिससे मैं लड़ा और फिर आप लोग माइक और कैमरा लेके उस मगरमच्छ का इंटरव्यू ले रहे होंगे ये भी होगा Sir, HM, uh, HM has also given a statement and uh, he said that if Congress will come into power, Sharia law will be implemented and, and know, we won't let it you. Have you read our manifesto, 46 pages of our manifesto? Do we mention Sharia anywhere? We were in power for 55 years in this country out of 75 years. Did we get Sharia? What nonsense is he talking about? I mean, without thinking, without reading, this is Home Minister, you said, right? I don't know if he is also entire political science. I don't know. No? I thought he was educated. I thought he could read and write. So maybe Mr. Kharge should write another letter to Home Minister also. We'll give you our manifesto, read it. If we did not do the Sharia law, we did not bring the Sharia law in 55 years of being in power, are we mad that we'll talk about Sharia law now? Which world are they living in? If they are so obsessed with Pakistan and Afghanistan, please ask them to go and fight elections there. Why are they spoiling the narrative here? Here, people are maturely talking about jobs. People are talking about employment. People are talking about price rise. People are talking about women's safety. These are the issues we are fighting our elections on. We are fighting our elections on justice. They are talking about, in the language of Pakistan, the obsession with Pakistan. countries. Does it mean uh, the, uh, the way the comments uh, it has come, it will become the same way? Look, as I said, whenever the Prime Minister goes and opens his mouth and campaigns, he ends up helping us. We are very happy with his campaign. But our worry is that the entire world is also watching him. And it's not good that. The Prime Minister of India, whichever party he belongs to, should be ridiculed by the world. That we don't, and nobody likes it. So that's something which we are concerned about. He has spent billions of dollars in creating an image about himself, an image which is very, very far from truth. Now that he's undoing his own image by opening his mouth and talking strange things, so entire world is watching. थैंक यू बड़ी से बड़ी खबर क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने पांच साल में क्या काम कराया मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर जो बदलेगा आप